2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जो यहाँ चुनाव को लेकर जनता में तरह तरह की चर्चा कानाफूसी भी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में आज बात करेंगे पीलीभीत लोकसभा सीट की, जहाँ मौजूदा में इस समय लोकसभा सीट से सांसद है वरुण गांधी। हालांकि पीलीभीत लोकसभा सीट पर बीते 35 सालों से गांधी परिवार का दबदबा रहा है। हालांकि मां मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी यहां से सांसद चुने रहे हैं, लेकिन इस बार की बात कुछ और ही है। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी बीते कई महीनों से अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का टिकट काट सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसी के साथ ही वो अपने उम्मीदवार की घोषणा भी घोषित कर सकते हैं और वरुण गांधी किसी अन्य दल का दामन भी थाम सकते हैं। वही दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि निर्दलीय ही अपनी किस्मत को भी आजमा सकते हैं। इन सभी बातों को जानने के लिए आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने शहरवासियों से इन सब सवालों पर बात की और क्या विकास कार्य कराए गए, इन सभी बातों को लेकर के वहां के लोगों से इसकी जानकारी ली गई। देखिए रिपोर्ट। सब चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में जो है तमाम तरीके के अफवाहों का जो है बाजार वो गर्म है। हम आपको बता दें, पीलीभीत लोकसभा सीट की बात करें, पीलीभीत लोकसभा सीट से सांसद हैं सांसद वरुण गांधी। हम उनके बाद विकास कार्यों की बात करेंगे। जिस तरीके से बीते 35 सालों से गांधी परिवार का इस पीलीभीत लोकसभा सीट पर कब्जा रहा है, वही 2009 से सांसद वरुण गांधी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और 3 बार के सांसद हैं। अब हम बात करेंगे उनके विकास कार्यों की और जो तमाम जो अफवाहें बोल रही है उनको लेकर, जिस तरीके से लगातार बीते कई माह से जो है लगातार सांसद वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लगातार ट्वीट करते आ रहे हैं और तमाम तरीके के मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो या कोई भी अन्य मुद्दा हो, वो लगातार उठाते चले आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसका आईना जो है लगातार दिखाते चले आ रहे हैं। इन तमाम बातों को हम पीलीभीत की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सांसद चाहते हैं और किसको चाहते हैं और सीधे हम बात कर लेते हैं। वीर जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके पीलीभीत लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, पीलीभीत लोकसभा सीट से सांसद हैं वरुण गांधी, यूं तो गांधी परिवार का इस लोकसभा सीट पर बीते 35 सालों से कब्जा रहा है और लगातार 3 बार सांसद भी रह चुके हैं सांसद वरुण गांधी, तो क्या कुछ लगता है क्या विकास कार्य उन्होंने अब तक पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए किए हैं? पीलीभीत के लिए माननीय सांसद मेनका गांधी जी ने पहले बहुत काम किया, महिलाओं के लिए और विकास कार्य, रोड का काम किया है, बहुत काम किया। अभी वरुण जी ने भी अच्छे काम किए हैं, जैसे पूरनपुर में अभी एक स्टेडियम था पीछे वो बनवाया और सड़कों के बहुत विकास कार्य हैं। कम से कम अगर विकास कार्य तो सांसद जो करता है वो करता ही है, कम से कम इस क्षेत्र में दलाली नहीं की है, ये सबसे बड़ी बात है। सांसद जी ने जो किसानों का होता है, जैसे अभी अब धान का सीजन चालू होने वाला है, यहाँ पे हर कांटे से यहाँ के लोकल कई लीडर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनका काम है कि हर कांटे से 100 रुपया क्विंटल अब धानों की दलाली चलेगी। इन चीज़ों का काम तो कम से कम वरुण गांधी ने नहीं किया, तो इसलिए सांसद ऐसा ही चाहिए जो ईमानदार हो, दलाली ना करे, जिसमें जनता सुखी हो, जनता को ना चूसा जाए। जिस तरीके से सांसद जी का साफ तौर से कहना होता है, जिस तरीके से उनके जो दौरे होते हैं 2 दिवसीय दौरे होते हैं, 1 दिवसीय दौरा होता है, तो दौरे के दौरान जो है वो अपनी जनसभाओं को संबोधित करते हैं, अपने संबोधन में वो लगातार इस चीज को कहते चले आ रहे हैं कि हम जो है पीलीभीत हमारा जो है घर है और हमने आज तक अपना कोई घर नहीं बनाया यहाँ पर, और पीलीभीत की जनता हमारी अपने माता पिता हैं और भाई बहन हैं सारी यहाँ पर। तो जिस तरीके की बातें जो हैं लगातार लोगों की होती है, लोग कहते हैं कि हमें लोकल का सांसद चाहिए, उसको क्या कुछ कहेंगे? तो लोकल बने तो हुए हैं, पहले देख लो हालात क्या हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जे करवाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करवाया जा रहा है। लोकल क्या होता है? लोकल जो 25 साल से 30 साल पीलीभीत वाला सांसद पीलीभीत में रहेगा, वो रहेगा तो जाके दिल्ली। आज किसी का आज कोई विधायक बन जाता है या कोई बन जाता है तो रहता तो 8 दिन लखनऊ ही है, यहाँ तो नहीं रहता। और वो 25 साल से यहाँ से 30 साल से सांसद बन रहे हैं, तो यहाँ पे आते हैं हर समय जब जरूरत होती है, आते हैं यहाँ पे काम करते हैं। आज किसी को जरूरत होती है, 1 मिनट में काम होता है, कोई दिल्ली जाता है, किसी को भर्ती होना कुछ है, कोई वहाँ पे दलाली तो नहीं मांगी जाती ना वहाँ पे देखा जाता है। कम से कम यहाँ पे किसानों के मुद्दे पर अगर कोई सांसद बोला है तो वो मेरे हिसाब से सभी पार्टियों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अकेली भाजपा में, सभी पार्टियों में अगर किसी सांसद ने खुलकर बात रही है अपने राजनीतिक कैरियर की परवाह किए बिना, तो केवल एकमात्र सांसद है वरुण गांधी। और मैं क्योंकि किसान
यूनियन से और इन लीडरशिप से आता हूँ। आप किसको, मेरा तो कहना यही है कि जो हमारी बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, जो मजदूर की वर्ग बात करेगा, जो गरीब वर्ग की बात करेगा, वही सांसद होना चाहिए, ना कि वो होने चाहिए। लोकल वाला अगर यहाँ पे 100-100 रुपए कांटे पे दलाली करेगा तो उसका भी क्या फायदा, उस लोकल को क्या करना है हमें? तो आप किस तरह का सांसद चाहते? नहीं, हमें तो ईमानदार सांसद चाहिए। और बात रही, आप अभी बात कर रहे थे कि वो पार्टी के, मेरे हिसाब से तो आज तक कोई भाजपा के खिलाफ बोला नहीं है, ना ही कोई भाजपा का लीडर मैंने देखा उनके खिलाफ बोलते हुए। हम कब कह रहे हैं भाजपा के खिलाफ बोला, हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोला। हाँ, नीति तो देखिए, किसी भी पार्टी में रहा, नीति किसी भी की गलत है। मेरा परिवार है, मेरी अगर नीति गलत होगी तो मेरे घर के मेरे बच्चे बोलेंगे, घरवाली बोलेगी, तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा क्या? बिल्कुल सही है। तो ये पार्टी की किसी भी चीज की नीति अगर गलत है तो नीति के खिलाफ हर एक को बोलना चाहिए। अब देखिए, खुले मंच से कई बार नितिन गडकरी जी बोल चुके हैं, राव इंद्रजीत सिंह अभी नूरसा से, हरियाणा से सांसद हैं, कोई बोला? कोई नहीं ना बोला पार्टी का, ना ही इनके खिलाफ बोला। यहाँ पे केवल लोकल में कुछ लोग हैं जो अफवाहें फैलाते हैं और गलत सलत बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो किसी से भी लड़े, किसी पार्टी से लड़े, हम तो देखिए किसी पार्टी के समर्थक हैं नहीं, ना हमें इससे कोई फर्क पड़ता है किसी पार्टी से लड़े। हम किसान जो है, किसानों को चाहिए कि उस आदमी का साथ दे जिसने उनकी दुखी घड़ी में और उसमें दिया। वो किसी भी जाति का किसान हो, वो ये ना देखे कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ या मुसलमान हूँ, ना। किसान अगर फायदा होगा तो हर एक किसान को होगा, ना कि किसी एक को। और भी लोगों से हम बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज शुक्ला है। सूरज जी, अगर सांसद जी को से किसी को अगर बात करनी हो जी, जैसे करके वो दिल्ली रहते हैं, जी, सांसद हमेशा जो है दिल्ली ही रहता है, लोकल में नहीं रहता, तो उनको, उनसे अगर किसी को बात करें तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, माननीय सांसद जी अपनी सभा में सबको अपना पर्सनल नंबर देते हैं, और सबसे बड़ी बात है माननीय सांसद जी अपना नंबर स्वयं उठाते हैं, किसी की कोई भी समस्या आए तो उसका निस्तारण खुद करते हैं। अगर कोई पीलीभीत लोकल में कोई परेशानी है तो उनका जो संसदीय कार्यालय बना है वहाँ पर जाते हैं, और जो उनके प्रतिनिधि लोग वहाँ पर बैठते हैं उनके माध्यम से उनका समस्या का समाधान होता है। और मेरी जानकारी में जहाँ तक है, अगर कोई 10 आदमी या 100 आदमी भी रोज आते हैं ऑफिस में, तो उनमें से कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है जो निराश जाता हो या किसी से एक रुपए की दलाली ली जाती हो। लोग, अब जिस तरीके से हम बात करें, आप कह रहे हैं कि हर जो भी व्यक्ति है जिसकी समस्या है वो सीधे सांसद जी से बात कर सकता है, फोन पे बात कर सकता है, उसके अलावा कार्यालय, यहाँ पर कार्यालय पे भी बात कर सकता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिर्फ कागजों में ही समस्या का निस्तारण होता है कि धरातल पे उसका समस्या का निस्तारण किया जाता है? देखिए, धरातल पे समस्या का समाधान होता है, जो तत्काल यहाँ से हो सकती है उसे माननीय सांसद जी फोन के माध्यम से दौरों के दौरान तुरंत उसका समाधान करते हैं। बाकी जो जिस पे लेटर जाना है वरिष्ठ अधिकारियों को, उस पे माननीय सांसद जी तत्काल यहाँ से जाने के बाद अगले दिन उन अधिकारियों को लेटर लिखते हैं। आपने लेटर की बात की, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरीके तमाम हम लोग जो हैं लगातार इस चीज को देखते चले आ रहे हैं, कोई भी सड़क का मुद्दा हो, अभी बीच में हाल ही में जो है रेलवे का मुद्दा उठा था, जो पूरनपुर मैलानी वाला जो रेल मार्ग है वहां अभी तक जो, तो वो लेटर के माध्यम से उन्होंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया, रेल मंत्री जी को जो है लेटर भी लिखा, समस्या को उठाया, तो क्या लगता है कि किस तरीके समस्या जैसे उठाते हैं तो उसका समाधान? देखिए, समस्या का समाधान जरूर होगा। बीच में इस वजह से दिक्कत हो गई थी क्योंकि वन विभाग ने एनओसी नहीं दी थी, ठीक है, उसके लिए भी माननीय सांसद जी बहुत प्रयासरत रहे और एनओसी मिल गई है, उसके लिए भी कार्य प्रगति पे है, और बहुत जल्दी पीलीभीत लखनऊ का रूट चालू होने वाला है। जो सागढ़ तक का रूट चालू है उसके लिए माननीय सांसद जी रेल मंत्री जी से मिले भी हैं और उन्होंने कहा भी है कि हम इसे जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि इसे चालू कराएं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? अंतिम मिश्रा। भैया जी, लगातार हम सांसद जी की बात कर रहे हैं, वरुण जी की बात कर रहे हैं, तो क्या विकास उन्होंने अब तक पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए किए हैं? ये छोटे विकास हम अगर किया जाए तो गांव क्षेत्र में ज़्यादा विकास करते हैं वो, जैसे शमशान सेट है, जो मूलभूत आवश्यकता होती है गांव में, छोटे छोटे रोड हैं गांव के, जो गलियों में पानी भरा हो जाता है उसको दूर करना, नाली खनने के लिए वो प्रधान भी ऊपर सोपा देते हैं, बाकी रोड और शमशान सेट जो आवश्यकता होती है, जहां से जो सूचना मिलती है गांव से वो उसको पूर्ण रूप से करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जिस तरीके से तमाम बातें जो हैं सांसद जी को लेकर चल रही हैं, लोकल की बात भी निकल के सामने आ रही है कि हमें लोकल का सांसद चाहिए, चुनाव नजदीक है तो लोगों का बोलना भी शुरू हो चुका है, तो लोकल का सांसद चाहिए। उसके अलावा एक बात और निकल के आती है कि हमें जो है ये भी बात सुनने में आ रही कि सांसद जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, वो अन्य दल का दामन थाम सकते हैं या निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, तो हम आपके मन की बात जानना चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? देखिए, लोकल से मतलब तो बनता नहीं है, कोई लोकल सांसद, लोकल के विधायक यहाँ हैं, जनप्रतिनिधि कई हैं,
तो लोकल का कोई इतना इफेक्ट पड़ता नहीं है लोगों में। आम जनता की जो बात करता है, आम जनता को वो सांसद चाहिए, और ये सबसे बड़ी बात है उनके अंदर जो गुण है ईमानदारी का। तो ऐसा सांसद शायद पूरे हिंदुस्तान में दुर्लभी कोई दूसरा होगा जो अपनी वेतन ना लेता हो और ईमानदारी की छवि उनके जो है जनता में बसी हुई है। तो जनता उनको बेहद वैसे ही प्यार करती है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी का या निर्दलीय का वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। वो किसी पार्टी लड़ लें चुनाव वो जीत लेंगे, क्योंकि जनता के दिल में उनका राज है। जिस तरीके से आपने अपनी बात कही है, लोगों का साफ तौर से कहना कि गांधी परिवार का जो है पिछले 35 सालों से पीलीभीत लोकसभा सीट पर कब्जा है, लेकिन 35 सालों में कोई पीलीभीत में कोई खास विकास नहीं हुआ, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब्जा नहीं कह सकते हैं, मतलब कब्जा तो मतलब गुंडे उन्माद करते हैं, वो लगाव उनका जनता के प्रति, उनका लगाव, उनका प्यार और जनता का उनके प्रति प्यार, दोनों का आपस में है। जिस तरीके से वो सीधे सीधे बात करते हैं, जनता से फोन उठाते हैं रात के 9-10 बजे तक, दिन में आराम से आप बात कर सकते हैं उनसे। जनता की कम से कम महीनों में, मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरा मानना है, 10 से 15 यहाँ से लोग चले जाते हैं रेफर जो दिल्ली एम्स के लिए, वो उनका काम बेहद सुचारू रूप से करते हैं, इलाज अच्छे अपने पैसे कराते हैं लोगों की हैं। तो जनता का प्यार उनके प्रति ईमानदारी वाला है, बेहद ईमानदारी वाला, और जो इंसान वेतन ना लेता हो तो इससे ज़्यादा ईमानदारी कहाँ और किसे मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जिस तरीके से बात की जा रही है कि वो किसी अन्य दल का दामन थाप सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी से ही दोबारा वापसी हो सकती है कि उनको टिकट मिले और दोबारा चुनाव लड़ें, या हो सकता है कि वो निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि सांसद बड़ोगांधी यहाँ से बने, अब वो पार्टी से बने ना बने, वो दायित्व जो है भारतीय जनता पार्टी का ऊपर का जो नेतृत्व है उसका काम है टिकट देना ना देना, इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर चाहते, आपको कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमें सांसद ईमानदार और जो बड़ोगांधी में गुण है वही चाहिए। और अगर नहीं भी पार्टी देती है टिकट तो मैं समझता नहीं हूँ उनके लिए कोई ज़्यादा निर्दलीय लड़ना भी कोई कठिन होगा यहाँ चुनाव। अब जिस तरीके से ये भी होता है कि आमतौर पर ये भी देखा गया कि पार्टी की सीट की अदला बदली हो जाती है, मैडम मेनका गांधी जी जो हैं जिस तरीके इस समय सुल्तानपुर से हैं वो पीलीभीत आ जाती हैं, पीलीभीत लोकसभा सीट से लड़ लेती है चुनाव, या वरुण जी उधर चले जाते हैं, तो क्या लगता है कि सीट में भी अदला बदली हो सकती है? हो भी सकती है, और ये पहले हो भी चुका है। तो दोनों लोगों में, हम लोगों को आनंदता के हिसाब से तो हम लोगों को दोनों लोग ईमानदार हैं, चाहे माता जी आ जाएं उनकी, चाहे वो आ जाएं, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तीसरे इंसान से फर्क पड़ जाएगा, उन लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो सूरज जी हमारे साथ मौजूद थे, सूरज जी से भी एक बात हम कर लेते हैं। जिस तरीके से पीलीभीत जो है बाहुल इलाका है वन्यजीव का जी, यहाँ पे जो है पीलीभीत में टाइगर रिजर्व भी है, बाघ के लगातार हमले भी हो रहे हैं। अगर 2014 की बात करें, बस 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था, उसके बाद से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है वन्यजीव संघर्ष में। उसके अलावा अगर पिछले महीने की बात करें तो बीते 2 माह में जो है 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें महज 7 साल की बच्ची भी शामिल है। तो इसको लेके क्या कुछ कर रहे हैं वो सांसद जी, जिस तरीके लगातार वन्यजीव संघर्ष हो रहा है, तार फेंसिंग जो है मुख्य वजह बताई जा रही है। क्या तार फेंसिंग उठाया जी? तार फेंसिंग के लिए भी माननीय सांसद जी ने मुद्दा उठाया है और वन मंत्री से भी बात हुई है, पर मेन चीज ये है, देखिए कि सांसद जी और जो भी यहाँ पे घायल हुए हैं, माननीय सांसद जी को उस बात का बड़ा दुख है कि उन लोगों के साथ ये घटना घटित हुई, और माननीय सांसद जी उनके यहाँ शोक व्यक्त करने भी गए थे सभी के यहाँ। पर हर चीज़ को एक राजनीतिक हथकंडे से जोड़ना ये गलत मैं समझता हूँ, और माननीय सांसद जी को जैसे ही पता लगता है, और जो भी संभव प्रयास है वो माननीय सांसद जी बराबर निरंतर कर रहे हैं, और जैसे कि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडे में अपने चुनाव में रखा था कि 100 दिन में हम जानवरों का मुद्दा ये ख़त्म करेंगे जिससे किसान बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो सांसद जी ने उस बात को भी अपनी जनसभाओं में कहा, तो पार्टी ने, जो कि आज योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने उस मुद्दे को क्यों नहीं ख़त्म कर पाया? उससे बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी। ठीक है, और आए दिन काश्तकार बर्बाद है, लोग कहते हैं काश्तकार की आय दुगनी हो रही, काय दुगनी हो रही, कैसे आय दुगनी हो रही? जिसके पास 2 बीघा खेती है उसमें 10 सांड घुस गए हैं, तो वो अगर जानवर खा ले रहे हैं तो वो बेचारे की आय दुगनी कहाँ से होगी? 2000 रुपये देने से आय दुगनी नहीं होगी। जब सोच देश की माननीय सांसद वरुण गांधी जी की तरह होगी, जो कि हर मुद्दा उठाते हैं, चाहे वो गरीबों का हो, किसानों का हो, या बेरोजगारों का हो, अभी शिक्षा मित्रों का मुद्दा, मैं समझता हूँ पार्टी के किसी भी नेता ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, और पार्टी चाहे तो उन्हें 10 दिन में
नियमित कर सकती है। लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम भैया आपका? आप इधर आ जाओ, बहुत देर से खड़े हुए हो आप, क्या नाम है आपका? मैं जगदीश लोधी। लोधी जगदीश जी, आप हमसे हम जानना चाहेंगे, जिससे आप जगदीश लोधी जी हैं, आप लोधी समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, क्या किधर जाएगा लोधी समाज इस बार जिस तरह लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है? इस लोकसभा चुनाव में विगत पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हमारे लोधी समुदाय से भी एक मतलब ताजा समाजवादी प्रत्याशी हेमराज वर्मा जी रहे हैं, लेकिन माननीय वरुण गांधी जी का जो लोधी बिरादरी, लोध किसान बिरादरी है, मतलब उनका कहा जाए लोध किसान स्पेशली नहीं, सारी बिरादरियों में जो उनका एक व्यवहार है, लोग जो उनको उनकी पसंदगी है लोगों को, तो कहीं ना कहीं लोध बिरादरी में पिछली बार हेमराज वर्मा जी को काफ़ी अच्छे वोट नहीं मिल पाए थे, क्योंकि वो भी हमारी लोध बिरादरी से थे। अच्छी पकड़ ना होने की वजह से सांसद वरुण गांधी जी का हर बिरादरी में अच्छा प्रभाव है, जिस वजह से सांसद जी 2.5 लाख वोटों से जीते थे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इस बार जो है लोकसभा चुनाव काफ़ी रोमांचित होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा सीट से सांसद हैं वरुण गांधी, और वरुण जी लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलते चले आ रहे हैं बीते कई माह से, तो लोगों के मन में तरह तरह की अफवाहें हैं, तरह तरह की बातें मन में सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी नहीं देगी, या वो किसी अन्य दल में जाएंगे या निर्दलीय अपनी किस्मत, आप किसकी ओर? मुझे नहीं लगता कि सांसद वरुण गांधी जी किसी भी मुद्दे को लेकर, सांसद जी की जो भी बात होती है गंभीरतापूर्वक बात होती है, चाहे वो समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए हो, किसी भी तबके के लिए हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हो, सांसद जी ने हर एक बात को बारीकी से समझा है, परखा है, तब उन्होंने बोला है। ऐसा नहीं है कि आवेश में आके कोई चीज बोल ली, और मैं मानता हूं कि सांसद जी की द्वारा कही हुई बातों को अगर पार्टी अमल में लाए तो निश्चित रूप से बीजेपी को बढ़त मिलने वाली है, इसमें कहीं बीजेपी का कहीं कोई नुकसान दिखता मुझे नहीं दिख रहा है। अभी हम आपको बात कर रहे हैं, जो LPG गैस है उसके रेट जो है गिराए गए हैं, लगातार जो गैस की कीमतें हैं वो उछाल पे हैं, महंगाई चरम पे है, 250-400 रुपए का गैस सिलेंडर हुआ करता था, वो आज 1100-1200 रुपए का है, अब 200 रुपए गिरा दिए। लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो उससे कुछ लोग जो हैं राजनीतिक मतलब चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर मतलब सरकार ने अगर कोई भी वादा किया है जनता जनार्दन से जुड़ा हुआ, अगर वो जनहित का मुद्दा है तो पूरी ईमानदारी से उस पर कायम भी रहना चाहिए। अभी पिछले वर्ष ये आया था मुद्दा कि साल पर 2 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे, एक दीपावली को होली को, मुझे नहीं लगता वो वादा भी पूरा हो पाया, कहीं से नहीं मिलेगा, नहीं मिले। अब जो 200 रुपए का है, मेरा मानना यह है सिलेंडर की कम से कम कीमत 500 रुपए होना चाहिए, जिससे आम व्यक्ति भी अपने घर पे समय से खाना बना सके। और मैं बताऊं कि सिलेंडर की जो बेताजा कीमतें बढ़ती चली जा रही है, इसका सीधा सा इफेक्ट जो है, मोदी जी का एक सपना था कि किसी भी घर की माओ की आंखें खराब ना हो, धुएं से आंखें खराब हो रही थी, आज वो माँ फिर मजबूर, आज वो सारी माएं मजबूर हैं, और वो सिलेंडर की जगह पे फिर वही लकड़ियां चुन चुन के अपने घर में धुएं वाली खाने बनाने को मजबूर है। नहीं, हम आपको बताएं, उज्ज्वला योजना के तहत तमाम गांव में जो है गैस कनेक्शन दिए गए थे, और उसके बाद ये हुआ कि वो गैस सिलेंडर जो है घर में 100 पीस बन के रख गए, और वापस जो है चूल्हे पे वो लोग आ गए, कुछ दिन जो है गैस जली जी, जी। एक महीना, उसके बाद जो है फिर वो गैस भरवाने के लिए पैसे ही नहीं हो पाए उनके पास, तो वो कहाँ से भरवाते बेचारे गरीब लोग, तो उनने सिलेंडर 100 पीस बना दिया और चूल्हे पे जो है दोबारा रोटी सीखना शुरू हो गई। तो जिस तरीके मोदी जी का सपना था, मोदी जी का सपना जो है साकार नहीं हुआ।